हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। देखिए, आज का मेरा जो सेशन है वो CGPSC मेंस के सिलेबस को कवर करता हुआ सिलेबस है। आपका पेपर 4 में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो हम इसमें कवर करा रहे हैं। एक्चुअल में हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पैटर्न के जो मैथ्स का कंटेंट्स है हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके प्रोवाइड किया है। एक पार्ट जो आप देखते हैं उसमें मैंने सी सेट को ध्यान में रख के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेस पर या CG व्यापम, रेलवे, बैंकिंग, SSC और जितने भी सिंगल डे एग्जाम ऑर्गेनाइज होते हैं उनको ध्यान में रख के हम बनाते हैं, जिसमें हम मैथमेटिक्स के बेसिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन आज से मैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ वो कम्प्लीटली CGPSC मेंस का जो सिलेबस है उसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जितना सिलेबस आपको है एक एक पॉइंट पर डिस्कस करके और जिस तरह के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रख के बना रहा हूँ। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस वीडियो को यूज़ करिए। और एक बात और ध्यान में रखिए कि मैं जब मेंस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो पूरे लिखने का जो पैटर्न होगा वो उस तरह से आपको प्रोवाइड कराऊंगा जैसे आपको एग्जाम में लिखना है। दैट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, कहीं पर कोई ट्रिक्स यूज नहीं करेंगे अपन। क्लियर? तो आप ध्यान रखेंगे, और ट्रिकी आपको पढ़ना है तो आप दोनों वीडियो कंसल्ट करिए तो दोनों से आपको बहुत अच्छा होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है CGPSC मेंस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ये हमारा पहला टॉपिक है और 100% आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आपको एक क्वेश्चन इससे मिलेगा ही। और यहाँ पर मैं जो पैटर्न आपको टच करूँगा उसमें से ही कोई एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ये 100% सियोरिटी है। तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन के पैटर्न पर बात करूँ जो परिमेय संख्या से पूछा जाता है। तो पहला पैटर्न इसका जो पूछा जाता है इसमें यह पूछा जाएगा वो है, जैसे बहुत छोटा क्वेश्चन कि किसी भी दो परिमेय संख्या का योग इतना है तो उसमें से पहला परिमेय संख्या दूसरा परिमेय संख्या कितना होगा, या पहले परिमेय संख्या के साथ किसका मल्टीप्लाई करें कि ये परिमेय संख्या मिले, या किसको माइनस करें तो ये परिमेय संख्या मिले। क्योंकि आप जब अपने मेंस का सिलेबस को आपने देखा होगा तो पहले पॉइंट में लिखा है परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो इस पर पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान होता है ये आपको पैटर्न मिलेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो पैटर्न आपको मिलेगा वो है दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ और परिमेय संख्या को लाना या इंसर्ट करना। इंसर्ट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो परिमेय संख्या आपको दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमको दे दिया 3/2 और यहाँ पर दे दिया 4/5। अब बोलेगा इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी और परिमेय संख्या इनके बीच में डालिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में और परिमेय संख्या इंसर्ट कराना। क्लियर? और नेक्स्ट पैटर्न है आपका, जो क्वेश्चन आपको आ सकता है वो है कि किसी भी रिकरिंग डेसिमल, जिसको हम बोलते हैं आवर्ती दशमलव, को P/Q के फॉर्म में लिखना। जैसे कहीं पर लिखा है 0.3233 बार, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, P/Q के रूप में। दैट मीन्स P/Q के फॉर्म में इसको लिखना। ये इसका तीसरा पैटर्न है। और चौथा इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो है कि जैसे आपको दे दिया a+b√3=something, ठीक है, यहाँ पर आपको दे दिया 1-√3, ये सब क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अभी, 1+√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। यदि आप मेंस की तैयारी बहुत सिंसियर होकर कर रहे होंगे तो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर देखे होंगे, तो आपको याद आ रहा होगा कि इसी पैटर्न के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। इसलिए मैं अपने आज के वीडियो में ये पूरे पैटर्न का क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, और मेरी कोशिश होगी कि आप एक क्वेश्चन करने के बाद इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप उसको बहुत आसानी से बना सकेंगे। तो रेडी हो जाइए पूरे कंसंट्रेशन के साथ मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। यदि आप बीच में इसको छोड़ देंगे
तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक प्रॉपर आर्डर है समझने का। आप ये समझेंगे तो ये समझ में आएगा, ये समझ में आएगा, ये समझ में आएगा। तो यहाँ तक आप देखिए इस पैटर्न तक, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह का वीडियो जो कंटिन्यूअस मैं मेंस एग्जाम के पहले आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा वो आपको कंटिन्यूअस मिलते रहेगा। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या के ये चारों पैटर्न के क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए, मैं थोड़ा बेसिक चीज़ों पर बात करूँ जो अपने पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, सी सेट के वीडियो पर मैं बता चुका हूँ कि परिमेय संख्या क्या है। तो आपको पता है किसी भी नंबर को P बटे क्यू के रूप में लिखना, यदि हम किसी भी नंबर को P अपान क्यू के रूप में लिखते हैं तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसके अपान में जो डिनोमिनेटर में है, जो हर में है, उसको शून्य नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये शून्य नहीं होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी जो होल नंबर है, सपोज 4, तो ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं? आप सोचेंगे सर ये तो अपान में कुछ नहीं है, इसको रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 4 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि 4 तो इस फॉर्म में नहीं है तो परिमेय नंबर कैसे होगा, वह परिमेय संख्या है। क्लियर? तो ये परिमेय संख्या कहलाता है। अब हम यहां पर देखते हैं परिमेय संख्याओं का जोड़ना और घटाना। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं परिमेय संख्याओं को जोड़ना, एडिशन। देखिए एक बात आप लोग ध्यान में रखना कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं, उनको मेरे क्लास में इस तरह का कोई टेंशन नहीं है कि मीडियम के कारण आपको प्रॉब्लम होगा। मैं आपको हर कंटेंट्स को दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करते हैं, और खासकर मेरा जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, वो लैंग्वेज के लेवल से ऊपर है। आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो, आपको बाईलैंग्वेज में बताऊंगा। क्लियर? तो जोड़ना एडिशन करना क्या होता है, देखो इसमें परिमेय संख्याओं को जोड़ने का दो तरीका होता है हमारे पास। पहला तरीका क्या हो सकता है कि उसका जब हर क्या हो, समान हो। इफ डिनोमिनेटर आर सेम, इफ द डिनोमिनेटर आर सेम, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने कहीं पर लिखा 7/5 प्लस 2/5। अब यहां पर आप देखिए कि दोनों का हर समान है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, या कोई तीसरा नंबर भी मैं लिख दूं 3/5, कितने भी नंबर हम लिखें उसकी खासियत क्या हो कि सब का हर क्या हो, समान हो। यहां पर भी 5 है देखिए, तो इनको जोड़ना बहुत आसान होता है। इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसके हर में जो संख्या है जो कि कॉमन एलसीएम है, ठीक है, उभयनिष्ठ एलसीएम है, उसको हम क्या लिख लिए, 5। और इसके बाद अंश में जितने नंबर हैं वो सब आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब 7+2+3। क्लियर? इस तरह से ये हो जाएगा 12/5। ये पहला पैटर्न होता है जो कि आपको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक चीज़ों को थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, क्या कई स्टूडेंट्स लोग को इस तरह का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट, जब हर क्या हो, असमान हो। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वह है जब हर असमान हो, अनइक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने कहीं पर लिख दिया 7/5 प्लस 3/12 प्लस 2/15, ऐसा लिख दिया। अब देखिए, अब यहां पर यदि आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, अब आप देख रहे हैं कि सभी का हर क्या है, असमान है, तो आप क्या करोगे, इसके हर का लघुत्तम निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। तो 5 का, 12 का और 15 का एलसीएम क्या होगा, देखिए सबसे पहले इसमें 5 डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा, इसमें 12 में डिवाइड नहीं होगा तो 12, और ये 5 दिया 15, ये 3 हो जाएगा। अब आप देखिए हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 ही रहेगा, ये 3 चौक 12, 3 एकम 3, इसके बाद 4 अकेला बच गया तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 × 4, मतलब कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 20 दिया 60, ये 60 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम निकालने का आपका प्रॉपर प्रैक्टिस होगा, और यदि आपको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम है तो आप मेरा फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो जरूर कंसल्ट करिए। तो ये हो जाएगा एलसीएम। क्लियर? अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 60 इसका एलसीएम है
तो ये हमने अपान में लिख दिया 60। अब इस 60 में 5 को डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे 60, क्लियर। तो 12 12 बार में कटे गए तो 12 गुड़ी 7 करेंगे, 12 गुड़ी 7 तो 7 दुनी 14 और 7 एक कम 7 और एक 8, 12 7 84, ये आपको पता ही है 84 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 12 से इसको डिवाइड, 12 पंचे 60, 5 बार में भाग गया तो 5 दिया 15, अब प्लस ये 15 चौक 60, तो 15 चौक 60 तो 4 में गया तो 4 दूनी 8, इस तरह से आपको इतना तो पता है। दैट इक्वल हो गए, दैट इक्वल कितना हो जाएगा, ये 8 4 12 और 17, ये 17 और 1 8 1 9 1 10 107 अपॉन 60, क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो एक कैलकुलेशन को आप ध्यान देंगे कि किस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले हमने 5 12 और 15 का एलसीएम ले लिया और ये इस तरह से, तो दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या को जोड़ सकते हैं। अब इसी में मैं आपको इसका घटाना भी सिखा देता हूँ क्योंकि उसमें कोई नया प्रोसेस नहीं है। सपोज आपको उनको घटाना है, सेकंड नंबर देखिए, घटाना सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, अब सपोज मैंने सबको माइनस कर दिया, ये माइनस, अब देखो माइनस हो रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर माइनस माइनस करना है, जो भी आपका आंसर आएगा उसको माइनस कर देना है, 7 - 5, क्लियर, तो कितना हो जाएगा 2/5, ऐसा हो जाएगा, वैसे ही वहाँ भी माइनस कर देंगे, तो जैसा जोड़ना होता है वैसा घटाना होता है, उसमें कुछ स्पेशल बात नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करना, ये मैं आपको सामान्य कॉन्सेप्ट एक बार समझा दूं, हालांकि इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी बेसिक चीज़ों पर बात करना जरूरी है। नेक्स्ट देखो इनका मल्टीप्लीकेशन करना, गुणा करना, परिमेय संख्याओं का क्या करना, गुणा करना, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान है। सपोज ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, ऐसा मेरे को एक परिमेय संख्या है a अपॉन बी और दूसरा परिमेय संख्या है c अपॉन डी, अब इसको सपोज मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो अंश का अंश के साथ गुणा हो जाता है, मतलब a c और हर का हर के साथ, ये तो बहुत ही आसान है। फॉर एग्जांपल कहीं पर लिखा मैं 3/2 × 5/6, सपोज ऐसे मैंने लिखा तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, इसके साथ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इसको फिर आप अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो गुणा करना बहुत आसान है। नेक्स्ट वैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इतना तो बहुत बेसिक है लेकिन चूंकि रेशनल नंबर हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है, फोर्थ इनका भाग करना, डिवीजन, इनका भाग करना, डिवीजन करना, जैसे a अपॉन b में हमने भाग दिया सपोज c अपॉन d का, तो कैसे सॉल्व होता है ये, दैट इम्प्लाइज a अपॉन b, अब ये जो भाग का निशान है इसको जब आप गुणा में चेंज करोगे, तो भाग के निशान को गुणा में चेंज करोगे तो इसके हर और अंश रेसिप्रोकल हो जाता है, उलट जाता है, तो c अपॉन d है वो क्या हो जाएगा, d अपॉन c, अब ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा a इंटू डी अपॉन b इंटू c, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल सपोज 7/2 और डिवाइडेड बाई सपोज 5/3, ये अपने को करना है, तो कैसे हल होगा ये 7/2 और भाग को आप गुणा करेंगे तो गुणा ये उलट जाएगा 3/5 हो जाएगा, दैट इक्वल 21/10, ये आंसर हो जाएगा, इस तरह से इसका भाग होता है, तो बहुत आसान है, बस ये ध्यान रखना है कि भाग जब गुणा में बदलता है तो ये उलट जाते हैं। अब अपन इसके मेन टॉपिक में आते हैं, जो पहला क्वेश्चन हम तैयार करेंगे इसमें देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जोड़ने घटाने पर ही बेस्ट अपन एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखिए एक क्वेश्चन लिया हमने, सेवन अपॉइंट टू में क्या जोड़े की संख्या की परिमेय संख्या है ना, या डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 7/2 में क्या जोड़े कि वो क्या हो जाए सपोज 5/3 हो जाए, ये क्वेश्चन है।
7/2 में कौन सी परिमेय संख्या जोड़े कि क्या हो जाए वो 5/3 हो जाए। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। आप मान लेंगे कि माना कि 7/2 में एक्स जोड़ा जाए, इस तरह से आप लिखेंगे माना कि 7/2 में एक्स जोड़ा जाए तो क्या हो जाए 5/3। तो क्या करो आप, 7/2 क्या जोड़ा जाए, हमने माना है x जोड़ा जाए, तो 7/2 प्लस एक्स इक्वल क्या हो जाए 5/3। तो जो हो जाएगा उसको बराबर के बाद लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7/2 में क्या जोड़ा जाए कि जो नंबर बने वो 5/3 हो जाए। क्लियर, दैट इंप्लाइज। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो परिमेय संख्या है आप उसको दाहिने तरफ पक्षांतर कर दीजिए, तो बाएं तरफ क्या बचेगा x, ऐसी दैट इंप्लाइज बिल्कुल ऐसे लिखना है आपको, दैट इक्वल ये हो जाएगा 5/3 और इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये हो गया 7/2। दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है, दोनों का गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 के साथ गुणा होगा तो 5 दूनी 10 और ऋण ये हो जाएगा 2 3 6 7 3 21 21 हो जाएगा। That implies x equal to बड़ी संख्या 21 है तो उसके सामने का चिन्ह लगेगा -11/6, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन क्या था, 7/2 में क्या जोड़ा कि 5/3 हो जाए, तो क्या जोड़ा जाए 7/3 में -11/6 यदि जोड़ दिया जाए तो नया संख्या क्या हो जाएगा 5/3। क्लियर, इसी प्रकार से 7/2 में क्या घटाया जाए बोल दे आपको, तो सिर्फ क्या चेंज करना है, यहां जो आपने प्लस किया था इसको क्या कर देना है माइनस कर देना है, तो क्वेश्चन सेम बनेगा आपसे, बन जाएगा क्वेश्चन। क्लियर, अब एक बार हम गुणा भाग वाला देख लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन कि किसी भी नंबर में क्या गुणा किया जाए कि वह कोई नया नंबर बन जाए। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, क्वेश्चन नंबर 2 सपोज अपन लेते हैं, सपोज कोई भी नंबर ले लिया अपन कि 9/5, 9/5 में क्या गुणा करें, में क्या गुणा करें कि नई संख्या क्या हो जाए 6/5 हो जाए। सपोज 9/5 में क्या गुणा करें कि नई संख्या क्या हो जाए 6/5 हो जाए, तो ऐसी मान लो कि 9/5 माना के लिख लेना आप, क्या गुणा करें x की संख्या क्या हो जाए 6/5। कुल मिला के यहां पर आपको वो निशान यूज करना है जो आपको करने के लिए बोला है, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, क्या गुणा किया जाए, और बाद में आप x लिख दो। दैट इंप्लाइज आगे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 6/5। अब यह संख्या हम उधर ट्रांसफर कर दें तो देखिए जब उधर ट्रांसफर होगा तो ये हर कहां चला जाएगा, अंश में, तो ये गुणा हो जाएगा क्या 5/9। That implies x equal to 5/5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 से और कैंसिल हो रहा है, 3 2 6 3 3 9, तो क्या मिल गया परिमेय संख्या हमको 2/3। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाए कि 9/5 में क्या गुणा किया जाए 2/3, ठीक है, 9/5 में 2/3 गुणा करने पर हमारा परिमेय संख्या क्या मिलेगा 6/5। इसी प्रकार भाग वाला भी बनेगा, यदि यहाँ पर आपको बोले कि क्या भाग किया जाए तो आप क्या करोगे, यहां पर आप भाग का निशान लगा दोगे, उधर जाके फिर गुणा हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत आसान है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या प्रविष्ट कराना। क्लियर, हमारा मेन टॉपिक है क्या, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या प्रवेश करना, दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या प्रवेश करना, इंसर्ट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। क्लियर, तो यहां पर मैं दो तरीके का क्वेश्चन आपको बताता हूं, एक तो जो होल नंबर के रूप में रहेगा, पूर्णांक के रूप में रहेगा, एक परिमेय संख्या के रूप में, मतलब वो भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं -2 और
सिक्स के बीच, सपोज हमारा क्वेश्चन है कि माइनस टू और सिक्स के बीच, तो यहां पर इस क्वेश्चन को मैं दो पार्ट में आपको करके बता रहा हूं। एक पहला माइनस टू और सिक्स के बीच में एक परिमेय संख्या में, के बीच एक परिमेय संख्या। यदि क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछे तो आप क्या करेंगे, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, कॉन्सेप्ट मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्स और वाई के बीच, सपोज एक्स और वाई टू नंबर हैं, इनके बीच में हमको एक परिमेय संख्या यदि प्रविष्ट कराना है, इंसर्ट कराना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, ये दोनों को जोड़ दो x प्लस वाई और दो का इसमें भाग कर दो, x प्लस वाई अपॉन टू। दैट मीन्स x प्लस वाई अपॉन टू जो परिमेय संख्या हमको मिलेगा वो किसके किसके बीच होगा, x और y के बीच होगा। और इसको लिखेंगे कैसे, x इज लेस देन, x छोटा है किससे, x प्लस वाई अपॉन टू से, और x प्लस वाई अपॉन टू छोटा है किससे, y से, क्योंकि ये दोनों के बीच का नंबर है। तो सबसे छोटा नंबर x होगा, उसके बाद बीच का नंबर ये होगा, सबसे बड़ा ये होगा। तो उनके बीच में जब हमको एक परिमेय संख्या प्रविष्ट कराना है तो इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, माइनस टू, और y का वैल्यू क्या है, सिक्स। क्लियर? तो क्या लिखेंगे अपन, माइनस टू और सिक्स के बीच का एक परिमेय संख्या हो जाएगा माइनस टू प्लस सिक्स अपॉन टू, दोनों को योग करके दो का भाग देंगे, दैट इक्वल, इसको हम आगे सॉल्व कर दें तो माइनस टू प्लस सिक्स कितना हो जाएगा, फोर, फोर अपॉन टू, और जो कि कितना हो जाएगा, टू। इस प्रकार से टू क्या है, माइनस टू और सिक्स के बीच का एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हम उसको किस तरह से लिखेंगे, इसलिए माइनस टू इज लेस देन, बीच का नंबर यह हो गया, और लेस देन क्या, सिक्स। तो ये हो गया माइनस टू और सिक्स के बीच का एक परिमेय संख्या। मान लो आपको क्वेश्चन में बोलता है कि माइनस टू और सिक्स के बीच में तीन परिमेय संख्या, अब आगे आप क्वेश्चन को तो एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, के बीच में तीन परिमेय संख्या प्रवेश करने की बात करता है। क्वेश्चन सेम है, माइनस टू और सिक्स के बीच में यहां पर कितना बोला गया था, एक, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीन। तो आप क्या करोगे, प्रोसेस को आगे बढ़ाओगे, कैसे प्रोसेस को आगे बढ़ाओगे, अब माइनस टू और टू के बीच में एक परिमेय संख्या प्रविष्ट करेंगे, मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यूअस आगे बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे अपन, माइनस टू और टू के बीच, माइनस टू और टू के बीच, तो वही प्रोसेस आगे बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू अपॉन टू, और माइनस टू प्लस टू कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो अपॉन टू, और शून्य में किसी भी नंबर का भाग होता है तो कितना होता है, वो शून्य होता है। मतलब हमने इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या और निकाल लिया। तो आगे हम कैसे लिखेंगे उसको, इस तरह से हम उसको आगे इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इसके बीच का नंबर लिख देंगे अपन। देखो ये क्या था, ये था माइनस टू लेस देन, माइनस टू और टू के बीच में हमने क्या पा लिया, जीरो। तो क्या हो जाएगा, जीरो इज लेस देन टू इज लेस देन क्या, सिक्स। तो यहां पर हम एक और परिमेय संख्या निकाल लिए, जीरो, इसके बीच, इसके इसके बीच में, तब कितने परिमेय संख्या हमने इंसर्ट करा लिया, दो करा लिया ये, लेकिन हमको क्वेश्चन में कितना बोला है के बीच में तीन परिमेय संख्या बोले। तो अब एक और इसी प्रोसेस को करेंगे, अब हम इन दोनों नंबर को ले लेते हैं, इनको और इनको, वैसे हम किसी भी नंबर को ले सकते हैं, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, हम कहीं से भी दो नंबर उठा सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, टू और सिक्स के बीच, टू और सिक्स के बीच में जो परिमेय संख्या होगा वो क्या होगा, देखिए टू प्लस सिक्स अपॉन टू, ये प्रोसेस है इसका। तो सिक्स प्लस टू कितना हो जाएगा, एट, एट अपॉन टू मतलब कितना हो गया वो, फोर। तो हमने क्या किया, टू और सिक्स के बीच में एक परिमेय संख्या अपन कर लिए, क्लियर। दैट इंप्लाइज अब क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या, माइनस टू इज लेस देन जीरो इज लेस देन टू। अब हमने टू और सिक्स के बीच में क्या नंबर निकाला है, फोर, तो लेस देन क्या लिख लेंगे, फोर, और फोर लेस देन क्या हो जाएगा, सिक्स। इस तरह से देखिए, ये माइनस टू था और ये सिक्स था, और इसके बीच में हमने तीन परिमेय संख्या, कौन कौन सा, जीरो टू और फोर, ये हमने प्रविष्ट करा दिया। मान लो आपको बोलता कि चार परिमेय संख्या प्रविष्ट कराओ, फिर ये दोनों को ले लो,
इन दोनों को ले लो, ऐसे आप दोनों किनारे में एक एक करके प्रविष्ट करा सकते हैं। क्लियर? जनरली 3 से ज्यादा आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में। इस तरीके से आप ध्यान रखना, माइनस 2 और 6 के बीच में एक परिमेय संख्या बोले तो ये इसका आंसर हो गया, लेकिन यदि आपको बोले कि 3 तो ये प्रोसेस को कंटिन्यूअस आगे बढ़ाइए, तो 3 बोलेगा तो ये आंसर हो जाएगा। ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैं एक परिमेय नंबर को, ये इसका पहला पैटर्न था, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या प्रविष्ट कराना। अब मैं एक नए तरह का क्वेश्चन लेता हूँ। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको देखिए, एक नया क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसके लिए। सपोज अब हमारा जो नंबर है वो कंप्लीट पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अभी तो मैंने इंटीजर ले लिया था, अभी मैंने पूर्णांक ले लिया था। अब हमारा नंबर सपोज क्या है, P अपान Q के फॉर्म में है। तो ये हमने एक क्वेश्चन लिया, देखिए 2/3 और 3/4। क्लियर? ये अपन ले लिया है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। सपोज ले लिया 4/5, 2/3 और 4/5 के बीच हमको 3 परिमेय संख्या चाहिए, या जितना भी चाहिए, 3 में आपको समझाता हूँ मैं। अब देखिए ये दोनों क्या है, P/Q के फॉर्म में है। तो आप अभी जो प्रोसेस मैं आपको बताया हूँ उस प्रोसेस से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देके। लेकिन आप हमेशा ध्यान में रखना, ये एक टेक्निक है मैथमेटिक्स में पकड़ने का कि किस तरह के क्वेश्चन में कैसे प्रोसेस हमको अप्लाई करना चाहिए। यदि आप यहाँ पर इसको x मान लो और इसको y मान लो और दोनों को जोड़ के 2 का भाग देके जब निकालते जाओगे तो बनेगा जरूर, ये नहीं बनने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये मेथड बहुत लेंदी जाएगा, इसलिए मैं आपको एक नया मेथड बताता हूँ इसके लिए। और वो क्या है, देखिए जब इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले तो क्या करिए, इसके हर में देखिए कितना है, 3 है, और इसके हर में कितना है, 5 है। पर ध्यान सुनना मेरी बात, आप इसके हर में 5 है, इसके हर में 3 है। तो आप क्या करो, इस वाले परिमेय संख्या में इसी के हर का गुणा और भाग दोनों कर दो। मतलब क्या हो जाएगा, ये 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये इसकी इसका 5 का गुणा 5 का भाग, क्योंकि हम सेम नंबर का गुणा भाग कर सकते हैं। तथा ये जो नंबर है 4/5 गुणा इसके हर में जो है क्या है, 3 है। तो 3 का गुणा कर दीजिए, 3 का भाग कर दीजिए। अब ऐसा करने से आपको क्या मिलता है, आप ध्यान से देखिए, ये हो गया 5 × 10/5 = 15। इसको हल मत करना, ऐसा नहीं कि फिर कटा दिया तो ही आ जाएगा। 10/15 हो गया, 10/15। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12/5 × 3 = 15। अब यहाँ पर एक खास बात आप देख रहे होंगे कि हमने दोनों के हर को क्या कर दिया, समान कर दिया, दोनों का हर समान कर दिया। तो पहला काम है दोनों के हर को समान करना। क्लियर? अब आप क्या करोगे, जब दोनों का हर समान हो जाए तो आप ये देखना कि इसके अंश और इसके अंश के बीच में कितने नंबर अपने को मिल रहे हैं। तो 10 से हम यदि नंबर स्टार्ट करें तो 10 के बाद 11, 11, फिर 12, मतलब एक 11 मिल रहा है। मान लो आपको क्वेश्चन में बोलता कि 2/3 और 4/5 के बीच में एक परिमेय संख्या प्रविष्ट कराइए, तो मिल गया था क्या, 11/15, 11/15। लेकिन आपको कितना बोल रहा है, 3, हो सकता है 4 बोले, हो सकता है 5 बोले, 100 तक बोल दे, तब भी निकाला जा सकता है। उसका प्रोसेस क्या है, अब ध्यान से सुनना। अब आगे हम क्या करेंगे, दोनों में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि 10 और 12 के बीच में 3 से ज्यादा गैप आ जाए। तो सपोज मैं इसमें 3 × 3 किया इस बार, तो क्या हो जाएगा, 10 × 3/15 × 3, तो क्या है, 10 × 3 = 30, और अपान कितना हो जाएगा, 45 हो गया, मतलब 30/45। कोई भी नंबर आप कर सकते हो, ऐसा मत समझना कि सर आपने 3 ही क्यों किया, आपकी मर्जी, आप 4 कर दीजिए, आपकी मर्जी, आप 5 कर दीजिए, जितना नंबर चाहे आप कर दीजिए। लेकिन बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों नंबर के बीच में उतने नंबर आने चाहिए। देखिए इसके बीच में कई बार स्टूडेंट को कन्फ्यूजन आता है, या आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसी क्वेश्चन को कोई दूसरा आंसर निकालेगा, कोई दूसरा आंसर आएगा, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप अनंत परिमेय संख्या प्रविष्ट करा सकते हैं, अनंत।
लेकिन आपको कोई तीन बताना है तो एक स्टूडेंट का आंसर अलग हो सकता है, एक स्टूडेंट का आंसर अलग हो सकता है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, उसका आंसर तो अलग आया, मेरा तो अलग आया, क्योंकि दो परिमेय संख्या के बीच में हम चाहें तो अनंत परिमेय संख्या प्रविष्ट करा सकते हैं, क्योंकि नंबर क्या है अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर? अब इसमें मैं क्या करूं, यहां पर 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड किया तो यहां भी करूंगा 12 इंटू 3 अपॉन 15 इंटू 3, तो कितना आएगा 12 इंटू 3 36 अपॉन एक कितना हो गया 45। पहला किया, जब हर समान हो गया तो अंश में हम गैप क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए ये 30 है या 36 है, तो 30 और 36 के बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे, 31, 32, 33, 34, 35, 5 आ जाएंगे, और हमको कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो मिल जाएगा अपने को। ठीक है, तो इसका आंसर इसलिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये क्या लिख सकते हैं अपन, 2/3 जो कि क्या है 30/45 है। 2/3 इज आल्सो 30/4, इसी को हमने वो बनाया है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप 2/3 ही लिख सकते हैं, 2/3 इज लेस देन, अब इसके बाद का नंबर, क्योंकि 2/3 क्या है 30/45 है, तो उसके बाद का 31, ये हो गया 31/45 लेस देन 32/45 लेस देन 32/33/45, ये तीन मिल गया, तो आप लास्ट नंबर को लिख दो, लास्ट नंबर क्या है अपने पास 4/5, ये हो जाएगा 4/5, ये आपका आंसर हो गया। यदि और बोलता और भी आप डाल सकते हैं। तो ये दो तरीके का नंबर आपको मैं बताया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या प्रविष्ट कराना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई बार इस पैटर्न का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपके मेंस में पूछा जा चुका है। क्लियर? आप पुराना आंसर पेपर देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पैटर्न इज, नेक्स्ट मैंने आपको क्या पैटर्न बताया था स्टार्टिंग में, जब स्टार्ट किया तो आवर्ती दशमलव रिकरिंग डेसिमल। पहले मैं आपको यह बता दूं कि आवर्ती दशमलव होता क्या है। क्लियर? जैसे सपोज मेरे पास कोई परिमेय संख्या है 10/3, अब यदि मैं 10 में 3 को भाग देने के लिए आपको बोलूं तो आप कैसे भाग दोगे, 3 3 3 9 कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप डेसिमल लगाओगे और 0, फिर 3 3 9 फिर 1 हो गया, फिर 10 करोगे, फिर 3 3 9 फिर 1 हो गया, फिर 3 3 3 दैट मीन्स अब ये जो नंबर है 3 3 3 3 होते जाएगा अनंत तक। तो जब ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता, जब पूर्णतः भाग नहीं होता और नंबर जब रिपीट होने लगते हैं तो इसको बोलते हैं हम क्या, आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव रिकरिंग डेसिमलर डेसिमल। और इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, 3.3 और 3 ही बार बार आ रहा है तो 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार का साइन लगा देंगे, तो 3.3 बार इसको लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है ऐसा। तो आपको क्वेश्चन में इस रूप में क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको उसको लाना पड़ेगा कि वो नंबर क्या है, वो परिमेय संख्या क्या है। अभी मैं इसको उल्टा बता रहा हूँ आपको, मैंने बताया कि 10/3 को ऐसा लिख सकते हैं, अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि इसको इस रूप में आप लिख के बताओ, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, तो मैं इसी क्वेश्चन को आपको रिवर्स समझा देता हूँ। क्लियर? तो देखिए हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल समझाया, तो मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ और अपन देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या रहेगा। आपको क्वेश्चन इस तरह से होगा, 3.3 बार को P/Q के रूप में लिखिए, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप x मान लेंगे 3.3 बार को, इसको आप x मान लीजिए, अब इसको आप सॉल्व करिए, दैट इनका इसका लिख सकते हैं 3.3333 एंड सो ऑन। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना, यदि एक नंबर में बार का निशान है किसी एक नंबर में, तो इसमें 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, तब दोनों पक्षों में दैट इंप्लाइज इसको आप रिलेशन नंबर 1 दे दो, दोनों पक्षों में ऐसा लिखना आप इसको जब एग्जाम में लिखोगे, तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ऐसा आप एग्जाम में लिखोगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, और यहाँ पर देखिए 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान आगे खिसक जाएगा, क्योंकि जितने 10 का गुणा करते हैं दशमलव उतने स्थान आगे चला जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 33.3,
और 3 3 एंड सो ऑन, ये होगा रिलेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में इस संबंध 2 में संबंध 1 को माइनस करना है, क्लियर। तो 2 में 1 को घटाने पर, 2 में 1 को क्या किया हमने, घटाया। लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसी होगा, आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। 2 में 1 को घटाने पर, तो 2 क्या है आपका, रिलेशन क्या है, 10x इक्वल टू 33.3333 एंड सो ऑन। और रिलेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 3.33333 एंड सो ऑन। अब इसको आप क्या कर दिए, माइनस कर दीजिए। जब आप इसको माइनस करेंगे तो इतने नंबर क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे क्योंकि बराबर है। अब इसमें से ये घटेगा तो देखिए 33 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 30। और 10x में 9x माइनस होगा, 10x में 1x माइनस होगा तो क्या होगा, 9x बचेगा। दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 30/9, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 3 से भाग जा रहा है तो 3 × 3 = 9, देखिए क्या आ गया, 10/3। और अभी आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैंने 10 में 3 को भाग दिया था तो यही मिला था, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपके एग्जाम में आने का मेरे हिसाब से 100% चांस है। तो आप इसको बहुत अच्छे से, एक और मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने केवल 1 decimal को लिया, मैं 2 decimal 3 4 5 6 कितना भी ले सकते हैं। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, प्रोसेस को ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको p/q के फॉर्म में लिखना है तो x मान लेंगे। इसके बाद यदि 1 दशमलव में बार है तो 10 का गुणा करेंगे, इसके बाद इस समीकरण में समीकरण को माइनस कर देंगे, क्लियर। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए, जिसमें 2 में बार का निशान है, मान लो। सपोज हमने एक क्वेश्चन ले लिया, कोई भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं, मान लो हम ले लिया 1.27 और दोनों में बार है ये 1. कोई भी एक क्वेश्चन आप बना सकते हो, 3 में ले सकते हो, 4, 1.27 को p/q के रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है आपको। तो क्या करेंगे आप, देखिए आप मान लेंगे वही, माना कि x इक्वल 1.27, अब दोनों में बार है ना, ये बार को ध्यान देना। That implies x equal to क्या लिख सकते हैं, 1.27 and so on। अब क्या करना है, देखिए इसको दे दिया रिलेशन नंबर फर्स्ट। अभी मैंने बताया कि 2 संख्या के ऊपर बार है तब 100 का गुणा करेंगे, 3 के ऊपर रहेगा तो 1000 का गुणा करेंगे, 4 के ऊपर रहेगा तो 10000 का गुणा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो कितना गुणा करेंगे यहाँ पर, 100 का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, 100 का, ठीक है। दोनों पक्षों में क्या किया हमने, 100 का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा, ये 100x इक्वल, यहाँ 100 मल्टीप्लाई होगा तो नेचुरली 0.2 स्थान आगे खिसक जाएगा। 10 का गुणा करते हैं तो 1 स्थान आगे खिसकता है, यहाँ 100 का गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 127.27277 एंड सो ऑन, रिलेशन नंबर सेकंड। अब सेम काम करना है अपने को, क्या सेकंड में फर्स्ट को माइनस करना है, ठीक है। तो दो में एक को घटाने पर, तो दो क्या है अपने पास, देखिए 100x इक्वल 127.2727 एंड सो ऑन। और ये कितना है, x इक्वल 1.2727 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर यदि माइनस किया जाए, यहाँ हमने माइनस किया तो आपको भी मैंने बताया ये पूरे नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे। और यहाँ पर आपको 127 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 126, और 100 में x माइनस करेंगे तो 99x, क्लियर। दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 126/99, दैट इंप्लाइज इसको आप सॉल्व करिए तो कितना से डिवाइड हो रहा है, 9 से, 9 9 4 36, ये 14, 9 से डिवाइड करें तो, और 9 11, ये हो गया 14/11। इस प्रकार से देखिए हम 1.27 बार को p/q के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 14/11। अभी आप 14 में 11 को भाग देके देखोगे
तो आपको यही मिलेगा 1.27 कहाँ तक मिलेगा, अनंत तक मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। नाउ लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको एक संबंध देगा, एक रिलेशन देगा और इसमें बोलेगा कि आप ए और बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्लियर? इसमें हमें क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट पैटर्न क्या है हमारा, ए तथा बी का मान ज्ञात करना, ए तथा बी का मान ज्ञात करना। सपोज हमने यहां पर एक क्वेश्चन लिया, ए प्लस बी रूट थ्री इक्वल 1 - √3/1+√3। सपोज ये हमारा एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको हल करना है और ए और बी का मान को ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से इस पैटर्न को आप समझिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से 2017 में इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा था। अभी इसको मैं पढ़ाने के बाद वो क्वेश्चन आपको जो पूछा था वो बता दूंगा, लेकिन उसको पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा। आप उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। मैं आपके कमेंट्स देखूंगा कि आपने सही बनाया है कि नहीं, किसने किसे सॉल्व किया। ठीक है, तो आप ए और वैल्यू को पहले इसको मैं बता दूं, फिर एक क्वेश्चन आपको दे के जाऊंगा लास्ट में और आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ए और बी का वैल्यू आप जरूर लिखिए तुरंत सॉल्व करके। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको बिल्कुल ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं, दैट इंप्लाइज बाएं पक्ष को आपको कुछ नहीं करना है, वैसी का वैसी रखना है। ए ए प्लस बी रूट थ्री इक्वल, ये जो दाहिना पक्ष है जो कि परिमेय संख्या के रूप में है, इसका करना है परिमेयीकरण। मैं थोड़ा आपको समझा दूं जिनको नहीं पता है, परिमेयीकरण इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज करना। तो परिमेयीकरण होता क्या है, आप ध्यान से समझो, जैसे कहीं पर लिखा है ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी। अब मेरे को यदि हर का परिमेयीकरण करना है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी और इसमें गुणा करूंगा, ये सी और डी के बीच में काहे का निशान है, प्लस का, तो मैं हल वहां लिखूंगा माइनस, तो सी प्लस डी उसको क्या लिखूंगा, सी माइनस डी, और इसका मैंने गुणा किया उसी का मैंने क्या किया, भाग किया। तो ऐसा करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम राशि हैं, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना है। मान लो मेरे पास ऐसा रहता a प्लस बी अपॉन सी माइनस डी, यहाँ प्लस की जगह माइनस रहता, तो इसको मेरे को परिमेयीकरण करना है, तो ये हो गया और इसमें गुणा करूंगा इसके अपोजिट साइन का, मतलब माइनस है तो प्लस का, तो क्या हो जाएगा, सी प्लस डी अपॉन सी प्लस डी। इसको बोलते हैं हर का परिमेयीकरण, ये अंश का भी होता है लेकिन यहाँ पर आपको हर का करना है। क्लियर? तो इस मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं परिमेयीकरण को, और देखिए किस तरह से हम उसको अप्लाई करेंगे, दैट इक्वल 1 - √3/1+√3 और ये मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट साइन का, मतलब 1 - √3/1 - √3, दैट इंप्लाइज ए प्लस बी रूट थ्री इक्वल। अब क्या है देखो, ये a 1 - √3, ये भी 1 - √3, दो सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो उसका क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है, तो 1 - √3 का क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग, और अपान आपको एक फार्मूला पता होगा a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का जब गुणा होता है तो क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। इस तरह का जितना बेसिक मैथमेटिक्स है यदि आपको प्रॉब्लम है तो मैं जो और एक और वीडियो बनाते आ रहा हूँ किसके लिए, सी सेट के हिसाब से, उसको आप जरूर देखिए या व्यापम वगैरह के हिसाब से। तो ये हो गया, अब a प्लस बी ए माइनस बी उस फार्मूला को लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट अब इसको हम सॉल्व करें तो लेफ्ट साइड को वैसे ही रखना है, दैट इंप्लाइज a प्लस बी रूट थ्री इक्वल। अब ये क्या है देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ फिर मैं एक बार फार्मूला आपको लिख दूं,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह सब फार्मूला आपको लर्न करना है। देखिए हमारा जो पीएससी मेंस के लिए जो हम मैथ्स का क्लास के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, मेरा पूरा फोकस है, मैं तो हायर क्लास को मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर हूं, लेकिन जब भी मैं इस क्लास के लिए वीडियो बनाता हूं तो मेरे ध्यान में टोटल वो स्टूडेंट होते हैं जो 10th क्लास के बाद मैथ्स छोड़ चुके हैं। आप में से जितने लोग मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे तो नेचुरली इन सब चीज़ों में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मेजर स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10th क्लास के बाद मैथ्स छोड़ देते हैं, आर्ट्स ग्रुप के हैं, कॉमर्स या फिर बायो फैकल्टी से आए हुए हैं, उनको प्रॉब्लम होता है मुझे मालूम है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि किसी भी चीज़ों को मैं जाके बेसिक चीज़ से बताऊं, इसलिए सब फार्मूले आपको मैं बताते जा रहा हूं। टोटल मेरा फोकस होता है नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, क्लियर। तो आप उसको उसी हिसाब से मेहनत करिए। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, ए का वैल्यू कितना 1 है और बी का वैल्यू क्या है √3, ये हो गया √3 और प्लस √3 का स्क्वायर और अपान में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। दैट इंप्लाइज ए प्लस बी √3 इक्वल ये हो गया 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 2√3 और √3 कितना हो जाएगा प्लस 1 और अपान ये कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, क्लियर। 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, ए स्क्वायर सॉरी यहाँ पर √3 का 3 ना, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ए प्लस बी √3 इक्वल 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 माइनस 2√3 अपान माइनस 2। दैट इंप्लाइज अब माइनस 2 को दोनों में अलग अलग भाग दे सकते हैं, ये हो गया ए प्लस बी √3 इक्वल इसमें अलग से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 2 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2√3 अपॉन माइनस 2, क्योंकि इसके साथ माइनस साइन है, यहाँ पर भी माइनस साइन को मैं इसके साथ लिख देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इंप्लाइज ए प्लस बी √3 इक्वल यहाँ पर देखिए ये 2 से कटेगा तो माइनस 2 और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 कटेगा कितना हो जाएगा √3। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर a है तो a के जगह में क्या आया माइनस 2 और यहाँ पर √3 है और √3 के सामने जो गुणा हो रहा है वो क्या है b है और यहाँ पर √3 के सामने कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, 1 कहीं पर भी मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों साइड का कंपेयर करें तो a इक्वल टू माइनस 2 और b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा a और b का वैल्यू, क्लियर। इस तरीके से एक बार मैं इसको एक मिनट फटाफट आपको रिवाइज कर देता हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर लिखिए। देखिए a प्लस बी √3 इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 क्वेश्चन है हमारा, a और b का वैल्यू फाइंड करने बोलता है। मैं आपको क्या बताया इसका परमेयीकरण करेंगे तो इसका अपोजिट साइन माइनस 1 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3 गुणा और भाग किया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए और b और प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर और अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3 यहाँ हुआ और √3 का होल स्क्वायर रूट हट जाएगा 3 होगा, 1 में माइनस 3 होगा तो माइनस 2 होगा, इस तरीके से 3 प्लस 1 4 और माइनस 2√3 ये। अब माइनस 2 को हम अलग अलग दोनों में डिवाइड कर दिए तो 4 के साथ डिवाइड हुआ तो माइनस 2 आया, इसके साथ डिवाइड हुआ तो √3। लास्ट में हमने क्या किया यहाँ a है तो उसका वैल्यू ये माइनस 2 और यहाँ पर √3 का गुणांक है, गुणांक उसका कोफिशियंट b और यहाँ पर √3 का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1, ये इसका आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा गेसिंग है कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा 100% चांस है। तो लीजिए मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उस क्वेश्चन को इसी पैटर्न पर सॉल्व करिए। ये 2017 में मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया, आप देख लेंगे श्योर आया है। ये क्वेश्चन है a प्लस बी √7 ए प्लस बी √7 इक्वल
3 plus root 7 upon 3 minus root 7. Find the value of find A and B. ये आपका क्वेश्चन है. A plus B root 7 equal to 3 plus root 7 upon 3 minus root 7. आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको आप सॉल्व करिए और A और B का आपका जो वैल्यू आता है वो वैल्यू निकाल के आप मेरे चैनल के कमेंट्स बॉक्स पर लिखे, मैं आपको देखूंगा कितने लोगों ने आपको सॉल्व किया. इस तरीके से मैंने परिमेय संख्या पर जितना क्वेश्चन पीएससी मेंस में आ सकता है वो पूरे पैटर्न मैंने कवर कराया. इस तरह के और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए और आप श्योर रहिए कि आपका परिमेय संख्या का क्वेश्चन आपसे बन रहा है. ओके, थैंक यू.